हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर पेरेंट्स, सबसे पहले आपको बता दूं कि दो दिन बहुत ही साइड जो था बहुत ही बिजी था, बहुत ही स्लो चल रहा था, एकदम 0.11 केबीपीएस के स्पीड चल रहा था। इस कारण हमको भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे। तो 22 तारीख का जो वीडियो था, 22 अप्रैल का, उसको मैंने आज शेयर किया है। तो 22 अप्रैल का डिस्कशन आप लोग आज देख सकते हैं, और उसमें एक बहुत सारा मैसेज आप लोग को दिए थे 22 अप्रैल अर्थ डे पे कि आप लोग एक पेड़ जरूर लगाएं। आशा है आप लोग जरूर लगाए होंगे, तभी ही सही मायने में अर्थ डे हम लोग मनाएंगे। चलिए, लेट्स कम ऑन आवर टॉपिक। एंड आज हम कोशिश करेंगे कि 23 और 24 दोनों का डिस्कशन फटाफट हम एक ही वीडियो में कर ले। इसलिए हर एक क्लास के बच्चे, क्लास 1 से 8, आप लोग अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आप लोग अपना अपना क्लास का वीडियो समझ पाइएगा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो थोड़ा सा भी, आप हमसे पूछिएगा, कॉल करके पूछिए, व्हाट्सएप पर पूछिए, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं क्लास 1 से, ठीक है। वर्कशीट 8 का इसमें दिया है कि मैच द पेयर्ड वर्ड्स। कुछ कुछ वर्ड होता है जो पेयरिंग रहता है, जैसे कि ब्रेड के साथ बटर, थ्रेड के साथ पेपर, पेन के साथ नेडल, टेबल के साथ चेयर, सूज के साथ सॉक्स। सिर्फ जूता पहन के तो नहीं चलते हैं, जूता के अंदर हम क्या करते हैं, पहले मोजा पहनते हैं। जूता, मोजा, ये सब मिला हुआ शब्द है। ब्रेड, बटर, ये सब मिला हुआ शब्द है, ठीक। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन सॉल्व इट इजी वे। नंबर बी, मैच द ऑब्जेक्ट विथ इट्स पेयर एंड राइट देयर नेम्स। ये जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु दिया है, इसको मिला देना है, दो वस्तु दिया है, और दोनों के क्या करना है, नाम दे देना है, ठीक है। तो आप बड़ा आसानी से, तो कोई हार्ड है नहीं, ऊपर वाला इसे ताला, चाबी है, बैट बॉल है, ये सब आप कर सकते हैं, पेंसिल है, इरेजर है, आप लोग इजी वे में कर सकते हैं, शर्ट पैंट है, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी, चंद्र बिंदु और अनुस्वार, ठीक है। इसका उपयोग तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यूकेजी में किए हैं, आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अंगूर है, इसमें क्या लगना चाहिए, चंद्र बिंदु आके ऊपर लगना चाहिए, फिर नीचे आ जाइए आपका, अनुस्वार वाली भी बात है, तो दांत देखिए, सांप देखिए, ये सारी चीज को नीचे आधे अक्षर वाले शब्द को पूरा कीजिए। बिल्ली, लला संयुक्त होगा, उसमें बीच का संयुक्त वाला ला छूटा है, जिसको आप आधा ला बोलते हैं, ठीक है। प्याज, प्याज में भी आधा प, इसको प या संयुक्त होगा प्याज, ठीक है, वो छूटा है, उसको आप कर लीजिए, इसमें सब आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सब्सट्रैक्ट है, बहुत ही इजी है, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्लास 2, इसमें यूज, हैज और हैव दिया है, और नीचे दिया है वाज और वेयर, तो दोनों का समथिंग एक ही केस होता है। इसका तो रूल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन क्लास 1-2 के सिलेबस में आपको बस यही जानना है, हैज और हैव आपका एक वचन, द्विवचन, ऐसे करके, मतलब किसी एक चीज के लिए और एक से ज्यादा के लिए। जैसे दिस इज माई कार, क्या दिया, दिस इज माई कार, सॉरी, दिस इज माई स्कूल, यह मेरा स्कूल है। उसके बाद क्या, इट डैश अ बिग ग्राउंड, अब स्कूल है तो उसके पास क्या है, एक बड़ा सा प्ले ग्राउंड है, ठीक। इट डैश मेनी क्लासरूम, अब क्या है, मेनी क्लासरूम, एक क्लासरूम नहीं है, एक क्लास, एक से ज्यादा क्लासरूम है, इट हैव हो जाएगा, ठीक है। इट डैश अ कैंटीन, कैंटीन कितना है, एक कैंटीन है, तो होगा इट हैज अ कैंटीन, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें जो भी दिक्कत होगा पूछ लीजिए, कि आसान कर सकते हैं। यूज वाज एंड वेयर दिया है बी में, माई सिस्टर डैश क्राइम लास्ट नाइट, ठीक है। तो माई सिस्टर, मेरी सिस्टर, एक ही सिस्टर है ना, तो वो क्या की थी, क्राइम लास्ट नाइट, रात को रो रही थी, तो माई सिस्टर वॉज क्राइम लास्ट नाइट। द टीचर डैश हैविंग लंच इन द स्टाफ रूम, द टीचर्स पूरे टीचर्स को बोल रहा है, इसलिए क्या होगा, द टीचर्स वेयर हैविंग लंच इन द स्टाफ रूम, ठीक है। नेक्स्ट आप इसको कर सकते हैं, वॉज ऑन वेयर, एक के लिए आप हैव या वॉज, एक से ज्यादा के लिए हैव कीजिएगा और वेयर कीजिएगा। हैज एक के लिए, हैव एक से ज्यादा के लिए, और वाज भी एक के लिए, वेयर एक से ज्यादा के लिए, क्लास 1-2 के लिए सिर्फ, वैसे इसका रूल बहुत ज्यादा होता है।
हिंदी देखिए विशेषण संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि तेरा संज्ञा व विशेषण शब्द छांटिए व उचित स्थान पर लिखिए। संज्ञा विशेषण, तो जो ये बॉक्स दिया हुआ है इसमें आप देखिए कि मित्र है, एक है, प्यारा है, रसीला है, कच्चा है, फीका है, बहुत सारा दिया हुआ है। इसमें आपको संज्ञा छांटना और विशेषण छांटना है, ठीक है। तो जैसे कि आपका इसमें क्या दिया है, कच्चा। कच्चा क्या हुआ, अगर हम कहें कि आम कच्चा है तो आम की विशेषता किससे पता चल रहा है, कच्चा से चल रहा है, तो कच्चा इसका विशेषण हो जाएगा। और आम क्या होगा, एक थिंग हो गया, पर्सन प्लेस एनिमल थिंग पर है ना आप संज्ञा की परिभाषा नाउन की, तो आम आपका संज्ञा हो जाएगा और कच्चा क्या होगा, विशेषण हो जाएगा। इसी तरीके से शेर आपका संज्ञा हो जाएगा, अब कमजोर इसकी विशेषता हो गई तो वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। दो नंबर में देखिए, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के तीन तीन विशेषण लिखिए। दूध के तीन विशेषताएं लिखना है, भालू है उसका लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण सब छाट कर लिखिए। जैसे मेरे पास तीन बस्ते हैं, मेरे पास तीन बस्ते हैं, तो मेरे पास बस्ते हैं कितने हैं, तीन हैं, तो वहां पर क्या कीजिएगा, तीन लिखिएगा। मेरे पिताजी लंबे हैं, ठीक है, तो लंबा क्या होगा इसमें, विशेषण होगा, पिताजी की विशेषता बता रहे हैं पिताजी लंबे हैं, तो इसमें लंबा लिख दीजिएगा। चलिए ये सब्सट्रैक्शन है, आप आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है। हाँ एक जगह जरूर ध्यान रखिए कि जहाँ पे ऊपर जीरो हो, बहुत जगह जीरो का यूज किया हुआ है और नीचे बहुत जगह स्पेस छोड़ा है, तो जहाँ भी नीचे स्पेस छोड़ा है आप अपने से जीरो रख लीजिएगा, तो आपके लिए बनाना आसान हो जाएगा। आगे देखिए, यह आपका शास्त्री का हो गया कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, इसको फटाफट मैं आपको मिलवा दे रहा हूँ, ठीक ना। ये भी विशेषता होता है, जैसे कि दो चीज का कंपेयर करना, ठीक है, टॉल टॉलर टॉलेस्ट हो गया, हार्ड हार्डर हार्डेस्ट, प्योर प्योरर प्योरेस्ट हो गया, लार्ज लार्जर लार्जेस्ट, इजी इजियर इजीएस्ट, उसके बाद हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, गुड का चेंज होता है, ठीक है, गुड का क्या हो जाएगा, बेटर और बेस्ट, गुड का बेटर होगा उसके बाद क्या होगा, बेस्ट होगा, इम्पोर्टेंट का मोर इम्पोर्टेंट और मस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। नंबर बी में है टिक द करेक्ट एडजेक्टिव द कंप्लीट दिस सेंटेंस, जैसे मैंगो इज अ जूसी फ्रूट, ठीक है, और जिसमें दोनों है जूसी और जूसीएस्ट है, सिर्फ क्या होगा, जूसी होगा, राइट। अगला देखिए, अ लायन इज अ स्ट्रॉन्ग देन वुल्फ, तो इसमें कंपैरिजन की बात हो रही है, ठीक है, तो इसमें स्ट्रॉन्गर होगा, अ लायन इज स्ट्रॉन्गर देन अ वुल्फ, ठीक है, कंपैरिजन की बात हो रही है। अगला आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो आप पूछिएगा, इजी इजीएस्ट फास्ट फास्टर लॉन्ग लॉन्गर, ठीक है, बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। अगला, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखने हैं, घोड़ा घोड़े कर देना, औरत औरतें कर देना, आसान है, कर सकते हैं। ये आपका हो गया सब्सट्रैक्शन, बहुत इजी है, कर सकते हैं, बस वही ध्यान रखना है ऊपर जीरो और जहां नीचे एक प्लेस छोड़ना है उस पे। आगे देखिए, ये आपका जीके से हो गया है, फाइंड द गिवन फेस्टिवल इन द क्रॉसवर्ड पजल, पजल बनाना आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, ठीक है, तो आप लोग इस पजल को बनाइएगा और इसमें कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए। इसमें फेस्टिवल का नाम भी ऊपर हिंट में दे दिया गया है और इसमें से खोजना है, लिख देना, यही तो करना है, लिखना भी नहीं है, बस इसमें आपको क्रॉस कर देना है, खोज देना है, जैसे कि होली ईद दिवाली ये सब जो भी है ना, वैसे आपको इसमें ढूंढना है और ढूंढ करके रख देना। जैसे एक आपको मैं तुरंत का तुरंत अभी देखिए, मैं आपको होली, जैसे देखिए यहाँ पर होली आपको मैं यहाँ पर ढूंढ दे रहा हूँ, ये देखिए ये हो गया आपका होली, ठीक है, छोटा में आप घेरिएगा, उतना बड़ा मत घेरिएगा, एच ओ एल आई हो गया ना, इसी तरीके से सारे फेस्टिवल आप इसमें से खोज सकते हैं और खोज करके बना लीजिएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स, अवर नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड, बता सकते हैं आप, डैश इज अवर नेशनल एंथम, ये भी बता सकते हैं, डैश इज सेलिब्रेट ऑन 5 सितंबर, ये भी बता सकते हैं, डैश इज द बर्थडे ऑफ नेहरू जी, बहुत ही इजी सब है, आप लोग इसको कर लीजिए, नहीं है तो पूछिएगा। अब चलिए, ये हो गया आपका, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स बिलो द कंप्लीट द ब्लैंक, ठीक है, और टॉप ऑफ डैट, ठीक ना, टॉप ऑफ ग्रास हो जाएगा, घास का एक झुंड हो गया, ठीक है,
बहुत सारे घास हो गए। नंबर दो दे रहा है अ फ्लीट ऑफ, ठीक है, अ फ्लीट ऑफ आपका यहाँ पे स्टोन हो जाएगा, अ हार्ड ऑफ, उसके बाद अ हीप ऑफ, अ बंच ऑफ, अ बैंकेट ऑफ। ये एक क्या कर रहा है, एक आपको समूह को बता रहा है, समझे ना। तो आप कहिएगा तो टोटल हम बता देंगे, नहीं कहिएगा वैसे बता दे रहे हैं। आपका दिया है अ हार्ड ऑफ कैटल हो जाएगा, अ हीप ऑफ सीप हो जाएगा, अ बंच ऑफ बनाना हो जाएगा, अ बैंकेट ऑफ फ्लावर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे दिया फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नाउन फ्रॉम द ब्रैकेट। आई क्लीन माई डैश ऑफ ड्राइवर्स, ठीक है, उसका ड्राइवर का क्या ऊपरी भाग उसने क्या किया, क्लियर किया, तो उसमें हो जाएगा नीक, साफ किया वो। अ गैंग ऑफ डैश ब्रोक इनटू देयर हाउस, द गैंग ऑफ रूम्स नहीं होगा, अ गैंग ऑफ रॉबर्स डाकुओं का गैंग होता है। रेनबो ऑफ डैश अपियर्ड इन द स्काई, रेनबो का क्या होता है, कलर अपियर होते हैं उसमें, द रेनबो ऑफ कलर। आई हैव अ लाइब्रेरी ऑफ डैश एट होम, नोटबुक्स का लाइब्रेरी नहीं होता है, लाइब्रेरी बुक्स का होता है, ठीक है। अगला देखिए एग्जांपल कंपाउंड नाउन का दिया है, जैसे वाइंड मिल, ठीक है, तो वाइंड प्लस मिल, वाइंड मिल हुआ है, उसके बाद बास्केटबॉल, बास्केट प्लस बॉल, बास्केटबॉल हुआ है। नंबर वन में यहाँ पे दे रहा है एड अ सिचुएबल वर्ड टू द फॉलोइंग वर्ड एंड मेक कंपाउंड नाउन। ऐसे बटर ऊपर आपको एक बॉक्स दिया हुआ है और बॉक्स से ढूंढ करके आपको ऐड कर देना है, जैसे बटरफ्लाई आपको पता है ना, तो बटर प्लस फ्लाई क्या हो जाएगा, बटरफ्लाई हो जाएगा, सन प्लस फ्लावर सनफ्लावर हो जाएगा, ऐसे आप इसको आसानी से कर सकते हैं। हिंदी का देखिए, ये आप देखे होंगे तो अभी बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, इसमें करना क्या है, ठीक है, तो ये कारक और विभक्ति चिन्ह है, ठीक, और ये जो ऊपर दिया हुआ कारक और विभक्ति चिन्ह, ये इसको याद करना है, याद करने के बाद नीचे फर्स्ट आपको कॉलम दिया है उसमें बनाना है, इसमें कारक और विभक्ति चिन्ह, जैसे कारक हो गया कर्ता, कर्ता की विभक्ति चिन्ह क्या है, नी, कर्म का को, कारण का से, के द्वारा, इसी तरीके से इसको आप याद कीजिएगा। और नीचे जो दिया हुआ है तो गोपाल बस से निकल गया, तो से इसमें दिखा रहा है कि से क्या है, विभक्ति चिन्ह है, तो से किसका कारक है, से है कारण का, गोपाल बस से निकल गया, किससे निकल गया, बस से निकल गया, तो कारण कौन है, बस है, तो से यहाँ पे कारण दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखिएगा, कारक में कारण लिखिएगा। को अगला में दिया कि राम ने रावण को मारा, तो को क्या हुआ, कर्म हुआ, तो यहाँ पे कर्म लिख दीजिएगा। अगला देखिए वर्ड्स प्रॉब्लम ऑन सब्सट्रैक्शन, घटाओ पे आपका, जैसे दे रहा है कि फ्रूट सेलर हैड 79 डोजन बनानास, ही सोल्ड 130 बनानास, हाउ मच बनानास आर देयर लेफ्ट विद द फ्रूट सेलर। एक फ्रूट सेलर है, थोड़ा इसमें ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिसके पास 79 डोजन बनाना है, तो एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं ना, तो पहले आप 79 को 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद बोला कि ही सोल्ड 130 बनाना, और उसमें से वो कितने बनाना बेच दिए, 130, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि 79 को मल्टीप्लाई मतलब कि गुना कर लीजिएगा 12 से, तो आपका 948 आएगा, और 948 में से उन्होंने कितना बेचा, 130, तो बचा कितना, 818, ठीक। दूसरा समझिए, देयर वाज 12,135 लीटर ऑफ डीजल इन अ पेट्रोल पंप, 10,128 लीटर ऑफ डीजल वाज सोल्ड विद इन अ वीक, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ डीजल इज स्टिल लेफ्ट इन द पेट्रोल पंप। एक पेट्रोल पंप है जिसमें 12,135 लीटर डीजल है, ठीक है, और 10,128 लीटर डीजल वो एक सप्ताह में क्या किए, बेच दिए, तो बचा कितना, तो 12,135 से 10,128 घटा दीजिएगा तो पता चल जाएगा। नंबर तीन, महेश डिपॉजिट 75,635 इन हिज बैंक अकाउंट, महेश 75,635 रुपए अपने बैंक में
जमा किए। उसके बाद लेटर ऑन ही विड्रो 18,349। उसके बाद वो 18,349 रुपया बैंक से क्या किए, विड्रो के निकाले। हाउ मच मनी इज लेफ्ट इन हिज बैंक अकाउंट नाउ, तो उनके पास कितना पैसा अकाउंट में बच गया है। ठीक है, चौथा देखिए, नूपुर विड्रो 8,624 फ्रॉम हर अकाउंट। द इनिशियल अमाउंट इन हर अकाउंट वाज 10,735। फाइंड द बैलेंस लेफ्ट आफ्टर द विड्रो। नूपुर 8,624 रुपया विड्रो किया। ठीक है, द इनिशियल अमाउंट इन हर अकाउंट, द इनिशियल अमाउंट इन हर अकाउंट वाज 10,735। फाइंड द बैलेंस लेफ्ट आफ्टर द विड्रो। और उनके पास इनिशियल अमाउंट कितना था, 10,735 था, जिसमें से 8,624 निकाल लिए, तो बचा कितना, 10,735 से 8,624 घटा लीजिएगा तो पता चल जाएगा। नंबर 5, राजेश सब्सट्रैक्टेड अ नंबर फ्रॉम 66,268 एंड गोट द रिजल्ट 10,554। फाइंड द नंबर विच ही सब्सट्रैक्टेड, मतलब कि राजेश सब्सट्रैक्टेड अ नंबर फ्रॉम इतना, एक वो कौन सा नंबर है जिसमें से राजेश 10,554 घटाया, 10,054 आया है। ठीक है, गोट द रिजल्ट 10,554। तो आप इसको घटाएंगे तो पता चल जाएगा 66,268 से 10,554 माइनस कीजिएगा तो पता चल जाएगा। अब ये फटाफट देख लेते हैं, 24th अप्रैल का, 23rd हो गया, 24th अप्रैल। ठीक है, आज देखते हैं, सबसे पहले ये क्लास 4, सबसे पहले क्या है, क्लास 4 से लेते हैं। एड एस टू चेंज द फॉलोइंग नाउन्स टू प्लूरल, जैसे ट्री का ट्रीज हो गया, काउ का काउज हो गया, कार का कार्स हो गया, इसमें सिंपल इस लगा करके आपको नंबर चेंज हुआ है। ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल किया गया है। अब देखिए बी में है कि फॉर नाउन्स एंडिंग इन अ हीजिंग साउंड लाइक एस एस एच, वैसे बहुत सारे नाउन होते हैं जिसके अंत में एस डबल एस एस एच सी एच एंड एक्स ये सब आए, तो इसको प्लूरल बनाते समय इसके लास्ट में ई एस जोड़ते हैं। ठीक है, इसके भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो कि अभी आपको नहीं बताया गया, इसमें बस आप उसको याद रखें कि जिसके लास्ट में एस 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 सी एच एक्स ये सब आया हो तो उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय क्या करेंगे, ई एस एड कर देंगे। जैसे बस के लास्ट में एस आया है तो ई एस किए तो बसेस हो गया, और उसके बाद क्या है ब्रश, तो ब्रश के लास्ट में क्या है एस एच आया है तो उसमें ई एस एड कीजिएगा। नंबर सी, फॉर नाउन्स एंडिंग इन ओ एड एस टू मेक प्लूरल इन अ वोवेल प्रीसीड्स, दैट मीन वो वैसा वर्ड जिसके अंत में क्या हो ओ हो और ओ से तुरंत पहले कोई वोवेल हो, जैसे कि आप स्टेरियो देखिए, रेडियो देखिए, बम्बू देखिए, तीनों में क्या है सबसे अंतिम वर्ड क्या है ओ है और उससे तुरंत पहले क्या है वोवेल है, ए ई आई ओ यू होता है ना, तो स्टेरियो में ई है, रेडियो में आई है और बम्बू में ओ है। ये सब ऐसा वर्ड बहुत सारा वर्ड होता है जो जिसका लास्ट में ओ होता है और उससे तुरंत पहले एक वोवेल होता है, तो उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय उसमें लास्ट में क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ देंगे। ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे यहाँ पे फोटो है, डायनेमो है, पियानो है, ठीक ना, इसके अंत में क्या है ओ है लेकिन इससे पहले इसमें वोवेल नहीं है। अगला देखिए, फॉर नाउन्स एंडिंग ओ एड ई एस टू मेक प्लूरल्स इन अ कंसोनेंट प्रीसीड्स ओ। देखिए बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं जिसके लास्ट में ओ होते हैं और उससे तुरंत पहले क्या होते हैं कंसोनेंट, वोवेल नहीं होते हैं, तो उसमें क्या जोड़ते हैं ई एस, उसमें क्या जोड़ते हैं ई एस। और वैसे अभी तुरंत ऊपर सी में देखिए, सी में यही दिया हुआ है कि वैसे नाउन्स जिसके लास्ट में ओ आया हो और ओ से तुरंत पहले वोवेल हो तो उसको प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ेंगे एस जोड़ेंगे। और इसमें दिया है कि वैसे नाउन्स जिसका
जिसके लास्ट में ओ आया हो और ओ से पहले कोई कंसोनेंट हो तो इसमें हम ई एस जोड़ेंगे, ठीक है। डी देखिए, फॉर नाउन्स एंडिंग ओ एंड ई एस टू मेक प्लूरल इफ अ कंसोनेंट प्रेसिड्स, समझ गए सी और डी। अगला देखिए हिंदी है, निम्नलिखित वाक्यों के कर्ता कारक छाट कर लिखिए, वही कर्ता कारक अभी जो आपको याद करने के लिए बोले थे, मीरा बाजार जाती है, बालिका फल काटती है, बादल वर्षा लगाते लाते हैं, कर्ता इसमें आपको ढूंढना है कि कर्ता कौन है, ठीक है। मीरा बाजार जाती है तो बाजार जाने का काम कौन कर रही है, मीरा कर रही है, उसी तरीके से आप इसमें सब ढूंढ सकते हैं। दूसरा देखिए, नीचे दिए उपयुक्त कारण कारक चिन्ह से वाक्य पूरे कीजिए, के लिए ने से का हो, कारक चिन्ह और विभक्ति चिन्ह बोला गया था याद करने के लिए ना, उसी में से करने। रीना डैश मिठाई खिला दो, तो रीना को मिठाई खिला दो, बाकी सारा ऑप्शन तो कोई नहीं दिख रहा है, इसी तरीके से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन है, बिल्कुल आसान है, ये तो आप कर सकते हैं, जो सिंपलीफाई 1, 2, 3 दिया है आपको 4 बता दे रहा है। अब फैक्ट्री प्रोड्यूस 28,870 आइटम्स इन द फर्स्ट ईयर एंड 32,720 आइटम्स इन द सेकंड ईयर, द टोटल सेल ड्यूरिंग द 2 इयर्स वाज 60,875 आइटम्स, हाउ मेनी आइटम्स वेयर ही स्टॉक एट द एंड ऑफ 2 इयर्स। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि दोनों क्या है, दोनों साल का उसका जितना भी फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रहा है, जितना भी बना रहा है आइटम्स, उसको जोड़ लीजिए और उसके बाद जितना सेल हुआ उतना घटा दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि उसके पास कितना स्टॉक है बचा हुआ है, ठीक। अगला देखिए, मिस्टर जावेद इज अ ट्रेडर, ही हैड 2,36,250 इन हिज करेंट अकाउंट, उनके अकाउंट में भी कितना पैसा है जी, 2,36,250। ही पैड 45,845, उन्होंने तुरंत किसी को 45,845 रुपया दे दिया। फॉर द गुड्स ही परचेज, कोई वो सामान खरीदे थे उसके लिए उन्होंने दिया है 45,845 रुपया। देन ही रिसीव अ पेमेंट 1,25,410 और तुरंत उसके बाद कहीं से उनको 1,25,410 रुपए आ गए। ये ट्रेडर से बड़ी दुकान है, सामान बिकता है आता है तो खर्च होते रहता है, तो व्हाट इज हिज बैंक बैलेंस नाउ, तो 2,36,250 में से पहले कितना घटेगा 45,845 रुपया, उसके बाद जितना बचेगा उतना में 1,25,410 को ऐड कर दीजिएगा, तब पता चल जाएगा कि व्हाट इज हिज बैंक बैलेंस नाउ, अभी उनके खाते में टोटल कितने रुपए हैं। आगे देखिए, अंडरलाइन द वर्ब इन इट सेंटेंसेस द राइट एंड राइट इट इन द स्पेस प्रोवाइड, द चीफ The chef is cooking a new dish. तो वर्ब मतलब होता क्या है, क्रिया, ठीक है। The chef is cooking a new dish, जिसमें क्रिया क्या हो रहा है, कुकिंग करना, ठीक है, इसमें कुकिंग हो जाएगा। The soldier are guarding the nation, इसमें वर्ब क्या हो गया, guarding हो गया। Men are preparing for the meeting, तो मीटिंग के लिए क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं, इसमें क्रिया क्या होना, प्रिपेयर होना, ये हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे वाला दिया है कि डॉग बार्क, गोट ब्लेट, व्हाट डू दिस एनिमल डू, कंप्लीट द सेंटेंस विद द वर्ब इन द बॉक्स। जैसे इन लोग का क्या होता है, साउंड होता है, जैसे काउ क्या करते हैं, मो ऐसे करती है ना, जिसमें आपका अलग अलग साउंड है, ठीक है। तो आपका हो गया कैट, कैट क्या करती है, म्यू, और डक क्या हो गया, डक, डक आपका इसमें हो जाएगा क्वैक, क्वैक, डक क्या करता है, क्वैक, अब काउ का हो जाएगा मू, हॉर्सेस नाई, अब फ्रॉग क्रॉक, ठीक है, ये कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हिंदी ही का है, बहुत ही आसान है, तुषार नए डैश पहनकर विद्यालय गया था, नए क्या, जूता पहना कि जूते पहने,
जूते पहने, क्योंकि ये जोड़ा रहता है, एक जूता नहीं होता है, दो जूता होता है। तो तुषार ने जूते पहनकर विद्यालय गया। अंशी ने बहुत सुंदर ड्रेस पहन रखी थी, माला पहन रखी थी, गर्दन में 50 माला नहीं पहना जाता है, कोई एक माला पहना जाता है, ठीक है। काली बिल्ली ने सारा दूध बिखेर दिया। मैंने दुकानदार से 10 डैश खरीदी, 10 पेंसिलें खरीदी। अगर एक पेंसिल खरीदे होते तो एक पेंसिल खरीद, वहाँ पे क्या होता, सिर्फ पेंसिल होता, लेकिन 10 पेंसिल की बात इसमें पेंसिलें हो जाएगा। डैश पैरों पर बैठी है, पैरों पर, किसी एक पैर पे नहीं, बहुत सारे पैरों की बात करें तो बहुत सारे पैर पे एक चिड़िया तो नहीं बैठेगी, बहुत सारे चिड़िया बैठेगी, इसलिए क्या हो जाए, चिड़िया पैरों पर बैठी है। रंगीन शब्दों के वचन बदल कर वाक्य पुनः लिखिए। तोता आम खाता है, इसका वचन बदल देना है, तोते आम खाते हैं। नदी में बाढ़ आ गई, नदियां में हो, इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। फिर गांव में आइए, वाक्य में एक वचन और बहुवचन। जैसे ये वाक्य है कि मेरी पुस्तकें अलमारी में रखी हुई है, तो इसमें एक वचन में यह है कि कोई इसका अलमारी है जो एक ही अलमारी है, लेकिन उसमें बहुत सारा पुस्तक रखा हुआ है, तो पुस्तक बहुत सारा होगा, तो पुस्तक बहुवचन हो गया और अलमारी इसका एक वचन हो गया। आगे आइए, माइनस है, वेरी इजी कर सकते हैं। अब आइए इसमें जीके में, जीके में आपका दे रहा है कि द डैश हैज एबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ स्किन। अब बताइए, ये तो आपको पता होगा, कौन अपना रंग तुरंत तुरंत बदल सकता है, कौन ऐसा एनिमल है। लोग बोलते हैं ना कि गिरगिट की तरह रंग मत बदलिए, क्या हो जाएगा उसका, कैमलियन हो जाएगा, ठीक। द डैश कैरीज इट्स बेबी इन द पाउच ऑफ इट्स स्टोमेक, इसका क्या हो जाएगा, कंगारू हो जाएगा, ये अपने बच्चे को अपने साथ लेकर के हमेशा चलती है। द डैश इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल मॉन्कीज, ये भी आपको पता है, गोरिल्ला हो गए, साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, आसान है, आप लोग इसको कर सकते हैं। द डैश हैज सात नेडल लाइक क्वील ऑन इट्स बॉडी, ये क्या हो जाएगा, पर्कुपाइन हो जाएगा, आसान है, कीजिएगा, नहीं है तो पूछिएगा। अब आइए सब्सट्रैक्शन स्टोरीज है, आई थिंक क्लास टू का है, ठीक है, देखते हैं। देयर वाज 55 पैसेंजर ट्रेवलिंग इन अ चार्टर्ड बस एट अ बस स्टॉप, स्टॉप 23 गोट डाउन, हाउ मेनी आर लेफ्ट इन द बस नाउ। एक बस से ये लोग जा रहे हैं जिसमें 55 पैसेंजर है, ठीक है, एक बस स्टॉप पे 23 पैसेंजर क्या हुआ, उतर गए, तो कितना बचे, 55 में से 23 माइनस कीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। नंबर टू, अरुषी हैड 78 नोटबुक्स, सी डोनेट 15 ऑफ देम, मेनी हाउ मेनी नोटबुक्स आर लेफ्ट विद हर नाउ। 78 नोटबुक में से 15 नोटबुक माइनस कर दीजिएगा तो पता चलेगा, क्योंकि ये क्या की 15 नोटबुक डोनेट कर दी, किसी को दे दी है। नंबर थ्री, अ बुक सेलर हैड 92 कॉपीज ऑफ अ बुक, शी सोल्ड 67 ऑफ देम, हाउ मेनी आर लेफ्ट विथ हिम नाउ। अ बुक सेलर है जिसके पास 92 कॉपी का एक बुक था, जिसमें से कितना बेच दिया, 67 बेच दिया, तो कितना बचा, तो 92 में से 67 माइनस कर दीजिएगा, पता चल जाएगा। अजार हैड 48 टॉफीज, 26 ऑफ देम वेयर सोल्ड, नाउ 25 मोर वेयर पुट इन इट, हाउ मेनी टॉफीज आर इन द जार नाउ। अजार हैड, एक जार में 48 टॉफी है, 26 उसमें से बिक गया, ठीक है, नाउ 25 मोर वेयर पुट इन इट, हाउ मेनी टॉफीज आर इन द जार। अब देखिए, तो एक जार में 48 टॉफी था पहले से, जिसमें से 26 टॉफी क्या बिक गया, और अब उसमें क्या हो रहा है कि 25 मोर वेयर पुट इन इट, और फिर उसमें अब 25 नया डाल दिया गया, तो पहले 48 में से 26 माइनस कर लीजिएगा, उसके बाद 25 प्लस कर दीजिएगा, तब पता चल जाएगा कि हाउ मेनी टॉफीज आर इन द जार नाउ, फिर से डालने के बाद अब कितना बचा। आगे देखिए, अब अगला आपका क्लास से पता चल जाएगा, क्लास वन में आइए आप,
क्लास टू पहले देखते हैं। ठीक है, क्लास टू का ही था। ठीक, क्लास टू का नहीं, सॉरी, क्लास वन का था। ये हो गया आपका। उसके बाद अब देखिए इंग्लिश का। इंग्लिश में दे रहा है कि कौन सा बिग है, कौन सा स्मॉल है, यही बताना है आपको, बड़ा और छोटा बताना है। ऐसे ऊपर के फिगर आप देख सकते हैं, दो ठो, द लाइन इज बिग एंड स्मॉल, द राइट इज स्मॉल एंड बिग, ऐसे करके दिया कि उसमें क्या है। लाइन बड़ा है तो उसमें बिग पे टिक लगाइएगा, और राइट स्मॉल है तो स्मॉल पे टिक लगाइएगा। फिर रैबिट और टॉर्टोज दोनों के बीच में पूछ रहा है, तो उसमें भी आप फिगर देख करके टिक लगाइएगा। बेबी और गर्ल के बारे में, फैट और थिन, कौन मोटा है कौन पतला है, उसके बारे में पूछ रहा है। नंबर बी में फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट अपोजिट वर्ड, जैसे द पेंसिल इज डैश, द पेन इज डैश, एकदम अपोजिट है। अगर पेंसिल पतला है तो पेन क्या है, मोटा है, लेकिन यहाँ पे पेन पतला और पेंसिल मोटा है। द क्रो इज डैश, द काउ इज डैश, क्रो क्या है, स्मॉल है, काउ बिग, बड़ा है, तो इसमें ऐसे अपोजिट कर। द कैमल इज अ डॉग, इसमें भी आपका इसी का कंपेरिजन हो रहा है, बिग और स्मॉल का। ठीक है, आगे देखते हैं, मैथ हो गया है, इसका हिंदी है। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए, पत्ता पत्ते, पंखा पंखे, चिड़िया चिड़िया, चिड़िए। ठीक है, आसान है, इसको कर सकते हैं। ठीक, अब क्लास टू का जो बचा था, क्लास टू देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं मैथ से। अ बुक सेलर हैड 493 कॉपीज ऑफ अ नोट ऑफ अ बुक, ही सोल्ड 213 ऑफ देम, हाउ मेनी आर लेफ्ट विद हिम नाउ। अ बुक सेलर हैड, इनके पास 493 कॉपी था, इसमें से उन्होंने 213 बेच दिया, तो कितना बचा था, 493 से 213 माइनस कर दीजिएगा तो पता चला। नंबर बी, अनिता हैड 280 नोटबुक, सी डोनेट्स 152 ऑफ देम, हाउ मेनी आर लेफ्ट विद हर नाउ। 280 से माइनस कर दीजिए 152 तो पता चल जाएगा। अगला देखिए, अ शॉपकीपर हैड 620 पॉकेट्स ऑफ बिस्किट, ही हैड सोल्ड 525 ऑफ देम, हाउ मेनी पैकेट्स आर लेफ्ट विथ हिम नाउ। शॉपकीपर है, उनके पास 620 बिस्किट का पैकेट है, जिसमें से उन्होंने 525 बेच दिया, तो 620 में से 525 माइनस कर दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि अभी फिलहाल उनके पास कितना बिस्किट का पैकेट बचा हुआ है, तब ना खाएंगे हम लोग। नंबर डी, अ मिलिट्री कैंप हैड 505 मैन, 338 ऑफ देम, सॉरी 338 ऑफ देम लेफ्ट द कैंप, नेक्स्ट डे 120 मैन ज्वाइन देम, हाउ मेनी मैन आर देयर इन द कैंप नाउ। अब देखिए, एक मिलिट्री कैंप है जिसमें 505 जवान हैं, जिसमें से 330 जवान चले जाते हैं और फिर अगले दिन 120 जवान आते हैं, तो अब कितने हुए, तो 505 जवान से 338 जवान को पहले माइनस कर दीजिए, उसके बाद जितना आ रहा है उसमें 120 ऐड कर दीजिए तो पता चल जाएगा। हिंदी देखते हैं, शुद्ध शब्द के आगे सही का निशान है, कल्याण, इसमें कौन सा कल्याण सही है, उसका कल्याण आप कीजिए और उस पर टिक लगाइए। नंबर दो देखिए, वाक्य पढ़िए व शुद्ध करके लिखिए, इसमें क्या है, मुझको एक सेब दो, ये गलत तरीका है, उसका सही तरीका क्या है कि मुझे एक सेब दो, शेर मांस खाती है, शेर क्या है, स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, शेर मांस खाता है, शेरनी मांस खाती है। ठीक है, इसमें बहुत कुछ शुद्ध करना है, उसको शुद्ध कीजिएगा। नंबर थ्री में क्या दे रहा है कि यहाँ दो दो वाक्य दिए जा रहे हैं जिनमें एक शुद्ध और एक अशुद्ध है। ठीक है, अब इसमें से आपको पहचानना है कि कौन शुद्ध है और कौन अशुद्ध है। जैसे क में दो ऑप्शन है कि मेले में बच्चा खो गई, और उसी में दूसरा क्या दे रहा है कि मेले में बच्चा खो गया, तो बच्चा खो गई कि बच्चा खो गया, कौन सा सही है, आप इस पर डिसाइड कीजिएगा, टिक कीजिए, बहुत ही आसान है।
इंग्लिश का देखिए साउंड, इसमें साउंड है, राइट द साउंड दैट दिस बर्ड्स एंड एनिमल्स मेक टेक हिंट फ्रॉम द जम्बलेड वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। जैसे देखिए अभी किस क्लास में बताएं, अभी थ्री में बताए थे ना साउंड, ये सब काउ क्या बोलता है, मो, कैट कैसे बोलते हैं, म्यू, लाइन कैसे रोर, गरजता है, तो और ये क्या किया जंबल वर्ड में दे दिए, तो और आसान कर दिया आपको, हिंट भी मिले, रोअर आर ओ, ठीक है, ए आर हो जाएगा, म्यू एम ई ओ डब्ल्यू म्यूज हो जाएगा, ठीक, उसके बाद क्या है मो एम डबल ओ हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका हॉर्स का हो गया, सब कुछ तो दे दिया आपका, इसमें से देख करके आप बना सकते हैं, ठीक। इसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछिएगा, ठीक है, चलिए, थैंक यू।